तो अभी हम करेंगे यूनिकनेस के लिए। सो यूनिकनेस, जिस तरह हमने उसमें पॉलिनॉमियल में किया था, जिस तरह उसमें हमने किया था, क्या किया था कि उस सेट में जैसा हमने इसमें हमने किया था, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर था, हमने इसका यूनिकनेस कैसे प्रूफ किया था, हमने प्रूफ किया था कि वहाँ पे एक दूसरे क्यू वन और आर वन एग्जिस्ट करते सच दैट ए कैन बी एक्सप्रेस दिस, ठीक है। तो इन दोनों का हमने क्या किया था, माइनस किया था। उसी तरह यहाँ पे भी हम दो अज्यूम करेंगे, तो सपोज फॉर नॉन जीरो पॉलिनॉमियल, क्योंकि हमारे नॉन जीरो पॉलिनॉमियल्स चल रहे हैं, सपोज फॉर नॉन जीरो पॉलिनॉमियल्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स, पॉलिनॉमियल सेट में से जिनकी डिग्री जी ऑफ एक्स की क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है, वो हमें पता है वो एम है डिग्री, देयर एग्जिस्ट, अब हम मान रहे हैं देयर एग्जिस्ट अनदर पेयर क्यू वन ऑफ एक्स इन क्यू वन ऑफ एक्स क्यू टू ऑफ एक्स, दो एग्जिस्ट पेयर है आर वन ऑफ एक्स एंड आर टू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स, सच दैट एफ ऑफ एक्स के लिए दो पेयर एग्जिस्ट है, एक है जी ऑफ एक्स इंटू क्यू वन ऑफ एक्स प्लस आर वन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के लिए है क्यू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू टू ऑफ एक्स प्लस आर टू ऑफ एक्स। जिस तरह वहाँ पे हमने माइनस किया था तो इसको भी माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे ये हो जाएगा टर्म जीरो, यहाँ पे हमें मिल जाएगा जी ऑफ एक्स कॉमन क्यू वन ऑफ एक्स माइनस क्यू टू ऑफ एक्स प्लस आर वन ऑफ एक्स माइनस आर टू ऑफ एक्स। अब हमारा क्लेम क्या है, क्यू वन और क्यू टू को इक्वल दिखाना है, आर वन और आर टू को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो इसको एक तरफ ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू वन ऑफ एक्स माइनस क्यू टू ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू आर टू ऑफ एक्स माइनस आर वन ऑफ एक्स। यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकते हैं, या तो ये डिफरेंस जीरो हो सकता है या तो जीरो नहीं हो सकता, केस वन, इफ आर टू ऑफ एक्स माइनस आर वन ऑफ एक्स डिफरेंस जीरो, इसका मतलब क्या, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, ये अज्यूम कर रहे हैं हमें ये प्रूफ करना था, ये हमने अज्यूम किया सपोज, तो क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो गया मतलब क्या, क्यू ऑफ एक्स जीरो पॉलिनॉमियल नहीं है, ये जीरो मतलब क्या, जीरो पॉलिनॉमियल है, क्यू ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स सॉरी जी ऑफ एक्स जीरो पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमने देखा था बी एम इज नॉट इक्वल टू जीरो है, गिवन जो है q ऑफ एक्स जीरो पॉलिनॉमियल नहीं है, तो किसको जीरो पॉलिनॉमियल होना पड़ेगा, दिस टर्म को जीरो पॉलिनॉमियल होना पड़ेगा, दैट इज q1 ऑफ एक्स माइनस q2 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पॉलिनॉमियल, दैट इज q1 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू q2 ऑफ एक्स। यहाँ पे प्रूफ हो गया यूनिकनेस, ठीक है। केस टू, मान लेते हैं कि r2 ऑफ एक्स माइनस r1 ऑफ एक्स जीरो नहीं है, इनका सब्ट्रैक्शन जीरो नहीं है, सब्ट्रैक्शन जीरो नहीं है मतलब क्या, और इनकी हाँ r2 ऑफ एक्स की डिग्री क्या है, यहाँ पे तो हम लिखना ही भूल गए, डिग्री ऑफ या तो डिग्री आर वन ऑफ एक्स की क्या हो सकती है, जीरो, या तो आर वन ऑफ एक्स जीरो होगा या तो आर टू ऑफ एक्स जीरो होगा, और डिग्री ऑफ आर वन ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स जी ऑफ एक्स दैट इज एम, इसका भी बोल सकते हैं डिग्री ऑफ आर टू ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन एम, यहाँ कंडीशन लिखना था हम लिखना भूल गए, ठीक है, क्योंकि हमने अभी जस्ट प्रूफ किया, अब बस हम यूनिकनेस ले कर रहे हैं, तो यूनिकनेस आ गया यहाँ पे। तो केस टू है हमारा आर टू ऑफ एक्स माइनस आर वन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, अगर नहीं है तो मतलब क्या, इसकी डिग्री मतलब आर टू ऑफ एक्स की डिग्री क्या है, लेस देन एम, डिग्री ऑफ आर टू ऑफ एक्स क्या है, लेस देन एम बाय दिस, एंड डिग्री ऑफ आर वन ऑफ एक्स क्या है, लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन एम, ठीक है। इसकी डिग्री लेस देन एम है, इसकी डिग्री लेस देन एम है, दोनों के जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ आर टू ऑफ एक्स माइनस आर वन ऑफ एक्स, ऑब्वियसली ये भी इसकी भी डिग्री छोटी ही होगी एम से, ठीक है। और क्यू वन ऑफ एक्स, यहाँ पे आ जाइए, q1 ऑफ x और q2 ऑफ x ये दोनों जीरो पॉलिनॉमियल नहीं है, जीरो पॉलिनॉमियल नहीं है ना, तभी तो ये सम जीरो नहीं आ रहा, क्योंकि हमने क्या बोला, ये टर्म जीरो नहीं है, ये टर्म जीरो नहीं है, ये तो जीरो है ही नहीं, क्योंकि g ऑफ x है, हमें क्वेश्चन में पता है g ऑफ x जीरो पॉलिनॉमियल नहीं है, ये भी टर्म जीरो नहीं है, और इनका डिफरेंस भी जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, q1 ऑफ x और q2 ऑफ x इनका जो सब्ट्रैक्शन है ये जीरो नहीं आना चाहिए, अगर जीरो नहीं आया तो हाँ हम बोल सकते हैं कि ये जीरो नहीं आएगा, इसलिए तो यहाँ पे केस बनाया हमने आर वन ऑफ एक्स माइनस आर टू ऑफ एक्स जीरो नहीं है, जीरो नहीं है मतलब ये टर्म जीरो नहीं है और ये भी टर्म जीरो नहीं है, इससे हमें क्या मिला, इससे हमें ये मिला क्यू वन ऑफ एक्स माइनस क्यू टू ऑफ एक्स का डिफरेंस जीरो नहीं है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इनका डिफरेंस जीरो नहीं है, जीरो डिफरेंस जीरो नहीं है मतलब क्या, जीरो पॉलिनॉमियल नहीं है, जीरो पॉलिनॉमियल नहीं है मतलब क्या, इनके पास कोई ना कोई डिग्री है, मतलब नॉन इनके पास कोई ना कोई डिग्री है,
बट अब हमें ये क्वेश्चन भी तो होल्ड करवानी है, ये क्वेश्चन होल्ड करवानी है, मतलब इसके पास कोई ना कोई डिग्री है, इसकी डिग्री कितनी है, एम है डिग्री, हमने देखा। और ये जीरो डिग्री, ये जीरो पॉलिनॉमियल तो नहीं है, जीरो पॉलिनॉमियल नहीं है मतलब कोई ना कोई डिग्री होगी, कोई ना कोई डिग्री होगी, तो कोई भी डिग्री ले लेते हैं, मान लेते एक्स टी डिग्री मान ले, नहीं वाई डिग्री मान लेते, इनकी डिग्री सब्ट्रैक्शन करने में वाई डिग्री आई। अब एम है और उनका प्रोडक्ट चल रहा है, तो ऑब्वियसली एम इंटू वाई हो जाएगा, तो डिग्री पूरी की कितनी आ गई, एम और वाई आ गई डिग्री, और ये क्या है, सब्ट्रैक्शन है, और इसकी डिग्री क्या है, लेस देन एम है, बट हम बोल रहे हैं एम इंटू वाई के बराबर है, इसका मतलब ये जो टर्म है ये नॉन नेगेटिव, ये इनका डिफरेंस जीरो ही आना चाहिए, अगर जीरो नहीं आता तो हमें देखो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया, क्योंकि इसकी डिग्री एम है, इसकी डिग्री हम टी ले वाई ले रहे हैं, और इन दोनों का डिग्री पूरी डिग्री हो जाएगी एम वाई, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो डिग्री है ये है एम, लेस देन एम है, इसके कारण ई क्यू ऑफ एक्स और क्यू टू ऑफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, ये इन दोनों को इक्वल ही होना पड़ेगा, ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या, आर वन ऑफ एक्स और आर टू एक्स एक्स को भी इक्वल ही होना पड़ेगा, मतलब ये हम कंडीशन लेंगे तो हमें बाद में यही मिल रहा है कि हमें बोल रहा है कि आर वन ऑफ कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हमें यही इनको इक्वल होना ही पड़ेगा, इसका मतलब क्या, आप कोई भी कंडीशन ले लो उनको इक्वल होना ही पड़ेगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यूनिकनेस, और कोई चॉइस चॉइस ही नहीं हमारे पास, यूनिकनेस होना ही पड़ेगा।